और मैक्सिमा लिखे फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम बोलिए या मैक्सिमा बोलिए, दोनों लैंग्वेज एप्लीकेबल है। साइन थीटा इसको डैश ले लेते हैं अपन, इज इक्वल टू 3 लैम्डा अपॉन 2 ए डैश। उसके बाद साइन थीटा अपॉन ले लेते हैं साइन थीटा 2 3 लैम्डा अपॉन 5 लैम्डा अपॉन 2 ए डैश ओवरऑल साइन थीटा डैश इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा अपॉन 2a एन इज इक्वल टू 1, 2, 3 फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमम एंड सेकेंडरी मैक्सिमम। द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज ट्वाइस दैट ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम किसी चीज की भी विड्थ निकाल लीजिए। जैसे अपन ने बोला विड्थ ऑफ सेकेंडरी मिनिमम, सेकेंडरी मिनिमम की विड्थ निकालने के लिए तो बताया था बीटा इज इक्वल टू बताओ ना वाई एन माइनस, अच्छा वाई तो मैंने अभी यूज ही नहीं किया। ओके दो मिनट वाई बताना रह गया है, वाई को भी ले आते हैं। ठीक है एन थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा इज इक्वल टू इसके हिसाब से ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट तो बी एन अपॉन ए बी बी एन अपॉन ए एन। ये वाले 10 थीटा से हमारा काम नहीं चलेगा, दूसरा ट्रायंगल लीजिए। इन ट्रायंगल सीओपी एक्चुअली इसको हम स्ट्रेट लाइन मान के आंसर निकालेंगे। इन राइट ट्रायंगल सीओपी यहाँ पे 10 थीटा ये जो थीटा 2 है 10 थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट यहाँ पर डायरेक्ट tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन ऑपोजिट जो है वो y है एडजेसेंट वाली लाइन जो है वो d है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे थीटा इज वेरी स्मॉल तो tan थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू sin थीटा। tan थीटा का y by d और sin थीटा का हमने भी आंसर निकाला। देखो मिनिमम के लिए साइन थीटा का आंसर एन लैम्डा बाय ए, तो बाय का आंसर आ गया एन लैम्डा कैपिटल डी बाय ए। वहां पर हम क्या बोलते थे बाय इज इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी बाय डी है ना, कैपिटल डी बाय डी। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कैपिटल डी बाय ए। बस डिफरेंस ये ध्यान रखना कि वहां पे जो चीज ब्राइट के लिए चल रही थी वो यहाँ मिनिमम के लिए चल रही थी। अब विड्थ निकालने के लिए ये विड्थ ऑफ सेकेंडरी मिनिमम बीटा इज इक्वल टू वाई माइनस बाय एन माइनस वाई एन माइनस वन, कल भी अपन ने यही था वाई एन की जगह एन लैम्डा कैपिटल डी बाय ए माइनस n माइनस वन लैम्डा डी अपॉन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए लैम्डा डी बाय ए बाहर निकालो, अंदर बचा n माइनस n प्लस वन
तो n और माइनस n कट हो जाएगा, खाली 1 बचा, इट इज लैम्डा कैपिटल d बाय a। कल फॉर्मूला था फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल d बाय t। आज हमारे पास विड्थ वर्ड है, कल फ्रिंज वर्ड था, आज क्या वर्ड है विड्थ। तो दैट विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल d बाय a। सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है उसे हम बीटा नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे बीटा डैश। दिस इज टू टाइम्स ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमम। अब ये अपन ने कौन सा निकाला, सेकेंडरी मिनिमम। तो जो मिनिमम का होता है वही मैक्सिमम का होता है, दैट इज लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए। क्या ऐड हो गई, नंबर टू ऐड हो गया। पिछली बार वाले में बीटा कोई सा भी हो, फ्रिंज विड्थ कोई सी भी आ रही हो, किसी की भी फ्रिंज विड्थ, तो आंसर सेम था लैम्डा कैपिटल डी बाय डी। अभी वाले में सेकेंडरी मैक्सिमा या मिनिमा के लिए आंसर आ रहा है लैम्डा कैपिटल डी बाय ए, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा के लिए आ रहा है टू लैम्डा कैपिटल डी बाय ए। फ्रेसनल डिस्टेंस एफ आर ई एस N E L Fresnel distance it is the distance of the screen from the slit so that spreading of light due to diffraction from the center of screen is just equal to the size is just equal to the size of the slit the distance of the screen from the slit, matlab kaun sa distance hua capital d wala hai na, screen aur slit ke beech ka distance jo hai wo कैपिटल डी। उसको किस तरह से एडजस्ट करना है कि जब यहाँ पर स्क्रीन का जो सेंटर हमने पॉइंट हो लिया है उससे जब स्प्रेडिंग हो तो स्प्रेडिंग कितनी होनी चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू द साइज ऑफ द स्लिट। स्लिट अगर इतना है तो यहाँ स्क्रीन पर स्प्रेडिंग भी इतनी ही हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, स्लिट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को एडजस्ट करते हैं। ये जो डिस्टेंस अब बचा इसे हमने अलग नाम दे दिया, कॉल्ड एज फ्रेसनल डिस्टेंस, है वही कैपिटल डी। लेकिन स्पेशलिटी क्या हो गई कि यहाँ पर जो स्प्रेड ऑफ लाइट होने वाला है दैट विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ द स्लिट। तो इस वक्त इस तरह का जो कैपिटल डी है उसे नाम दिया जाएगा फ्रेसनल डिस्टेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय जेड एफ, जेड के नीचे एफ। फॉर्मूला लिखना चालू करिए, y इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय ए, जब हम अपनी कंडीशन रख रहे हैं फ्रेसनल डिस्टेंस वाली तो d इसके बराबर हो जाएगा जेड एफ के बराबर। देखो देखो समझ में आएगा, मैं कोई नया फॉर्मूला डिजाइन नहीं कर रही। d जो है वो किसके बराबर हो गया जेड एफ के बराबर, और y किसके बराबर हो गया बोलिए a के बराबर। अरे भैया यही तो हम बोल रहे हैं कि ये जो o से लेके p तक का डिस्टेंस था उसको आपने क्या बोला था y, ये y किसके बराबर करना है मुझे a के बराबर। तो फ्रेसनल डिस्टेंस वर्ड कब यूज होगा, जब d बिकम्स zf, और कब ये zf होगा when y बिकम्स इक्वल टू a।
जब y a के बराबर हो जाए तो d को हम नया नाम देंगे फ्रेसनल डिस्टेंस। अब इसमें डालो y की जगह लिखा a लैम्डा, d की जगह लिखा zf अपॉन में a। फॉर्मूला बन गया zf इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन a स्क्वायर अपॉन लैम्डा। तो अब आपसे न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा फ्रेसनल डिस्टेंस, तो इट इज a स्क्वायर बाय लैम्डा। आपको रटना है रटिए, नहीं रटना है तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखिए कि y जो है वो a बन गया और d का नाम हो गया फ्रेसनल डिस्टेंस। नेक्स्ट हम लोग लेंगे रेलीज क्राइटेरिया, r a y L E I G H S Rayleigh's criteria। इसमें लिखिए आगे it helps to know about the resolution लिखवाती बाद में पहले समझिए कि हमारे पास में दो ब्राइट स्पॉट्स हैं। अभी भी अपने आप के दो ट्यूबलाइट चल रही है, बाहर से सनलाइट अपनी जगह आ रही है, डेफिनेटली यहाँ पे बढ़िया उजाला दिखता है, यहाँ पे हमें बहुत सारा रिफ्लेक्शन जैसे भी एक्स्ट्रा ट्यूबलाइट का नजर आता है। तो ये जो ब्राइट स्पॉट्स हैं, क्या हम इन्हें अलग अलग आइडेंटिफाई कर पा रहे? देखो ये वाला इस लाइट का आ रहा है, ये वाला ब्राइट स्पॉट है, हमें तो सिर्फ वहां पर चमक नजर आ रही है, उस चमक के अंदर दो पॉइंट्स है, तीन पॉइंट्स है, दस पॉइंट्स है, हमें नहीं पता। अपन अगर अपनी नेकेड आई से देखे तो जो भी दो ब्राइट पॉइंट्स हैं, ब्राइट स्पॉट्स हैं, दे आर नॉट डिस्टिंक्टली विजिबल, है ना, उनको अलग अलग करके देख पाना मुश्किल है। अगर अपन नॉर्मल अपने माइक्रोस्कोप वगैरह से भी ले लें, जिन्हें हम कहते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो भी उन्हें अलग अलग आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। जिस पॉइंट पे हम उन्हें अलग अलग रिजोल्व कर पाए वो पॉइंट कहलाता है रिजोल्विंग पावर। क्या कहलाता है? रिजॉल्विंग पावर। दो स्पॉट्स को अलग अलग आइडेंटिफाई करना, है ना मैम, एक डार्क और एक ब्राइट हो तो वो तो इजीली हो जाएगा क्योंकि एक जगह अंधेरा है, एक जगह डार्क ब्राइटनेस है, तो वो तो फिर भी आपको माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में इजीली दिखाई दे जाता है। लेकिन अगर दो ब्राइट एक साथ है, दो डार्क एक साथ है, तो उन्हें देख पाने में थोड़ी सी परेशानी होती है। इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया रेलीज क्राइटेरिया। तो ये क्या बताता है? इट हेल्प्स टू सॉल्व द रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन, अभी आप लोग इतने बढ़िया बढ़िया कैमरेज यूज करते हो, कितने पिक्सल्स वाले हैं? होता है ना, पिक्सल से कैलकुलेट करते हो, 48 मेगापिक्सल, 42 मेगापिक्सल, क्या होते हैं ये पिक्सल्स? अभी आप लोग बोलते हो सॉरी, पिक्सल्स का मतलब क्या? मैं कोई पूछ रही हूँ, जब आप बोलते हो कि फोटो ब्लर आ गया, तो फोटो ब्लर क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके जो डॉट 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 जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो एक के ऊपर एक कहीं पर ओवरलैप कर गए, या वो अपने आप को क्या नहीं कर पाए, डिस्टिंक्ट नहीं कर पाए, अलग अलग नहीं कर पाए। जितना बढ़िया तरीके से वो अपने आप को अलग अलग आइडेंटिफाई करेंगे, उतना बढ़िया क्लियर पिक्चर आपको नजर आएगा कि अरे हाँ भाई, पीछे मुझे येलो कलर अलग नजर आ रहा है, ऑरेंज अलग नजर आ रहा है, बिल्कुल डिस्टिंक्टली विजिबल। तो वो क्या कहलाता है? रिजॉल्विंग पावर। तो वही रिजॉल्विंग पावर के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रेलीज क्राइटेरिया। अब देखिए, द स्मॉलेस्ट सेपरेशन बिटवीन द टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स एट विच दे अपियर जस्ट सेपरेटेड इज कॉल्ड एज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। फुल स्टॉप। द रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, द रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज कॉल्ड इट्स रिजॉल्विंग पावर। अब नेक्स्ट लाइन में कंडीशंस, फर्स्ट पॉइंट, द टू ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी, just resolved if separation between central maxima, if the separation between central maxima of two objects is just equal to the distance between the central maxima and first minimum of any of two objects. Second point, the two objects are said to be well resolved if the separation between the central maxima ऊपर लिखा है वो का वही रिपीट कर रहे हैं हम If the separation between the central maxima of the two objects is greater than the distance between central maximum and first minimum of any of the two objects. Last third point, लिखने में आपको ज्यादा लग रहा है लेकिन आंसर के फॉर्म में वो ज्यादा नहीं है क्योंकि सारी लाइन्स हम रिपीट कर रहे हैं, इसलिए ये कोई 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, ये 2 मार्क का ही है. The two objects are said to be unresolved if the separation between the central maxima, वो ऊपर लिखा है वो का वो रिपीट करिए, if the separation between the central maxima of the two objects is less than the distance between the central maximum and first minimum, पूरा होगा वही, of any of the two objects.